हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन अंडर 10,000 रुपीज़। तो अगर आपका बजट 10,000 से कम है तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो पहला फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्रो। इसमें आपको 5.5 इंच की डिस्प्ले मिलता है और 1.2 गीगाहर्ट्ज़ की क्वाड कोर है और 2 GB की रैम है। और रियर कैमरा आपको 13 MP का मिल जाता है विथ LED फ्लैश। और आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है 5 MP की। 16 GB की स्टोरेज मिलता है जिसमें आप एक्सपेंडेबल कर सकते हैं 32 GB तक। और इसमें एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो मिलता है। और बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 3000 mAh की बैटरी मिल जाता है और इसका प्राइस है 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट जो फ़ोन है वो है स्वाइप एलिट सेंस 4G वोल्टी। तो ये फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। इसका लुक काफ़ी अच्छा है और इसका प्राइस है 7,500। इसका स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 5 इंच की डिस्प्ले मिलता है और 1.4 गीगाहर्ट्ज़ की क्वाड कोर की प्रोसेसर मिलता है और 3 GB की रैम मिलता है। और इसमें स्टोरेज 32 GB तक मिलता है और इसमें आप एक्सपेंडेबल कर सकते हैं 64 GB तक। 13 MP की रियर कैमरा मिलता है विथ LED फ्लैश। और फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको 8 MP की मिल जाता है। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम 6.0 मार्शमेलो मिलता है। और इसका बैटरी की बात करें तो इसमें 2500 mAh की बैटरी मिलता है। और ये फ़ोन डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट करता है। और साथ में आपको इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे बात है। नेक्स्ट जो फ़ोन है लिको 1S, ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसमें आपको 5.5 इंच की डिस्प्ले मिलता है और 1.85 GHz की ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। और 3 GB की रैम मिलता है और 32 GB स्टोरेज मिलता है जिसमें आप एक्सपेंडेबल कर सकते हैं 64 GB तक। और इसमें आपको 13 MP का रियर कैमरा मिलता है विथ LED फ्लैश। और फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है 5 MP की। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम 5.0 लॉलीपॉप मिलता है। और इसका बैटरी की बात करें 3000 mAh की बैटरी मिल जाता है। और ये फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है और इसका प्राइस है 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट जो फ़ोन है वो है Redmi Note 4। इसमें आपको 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलता है और 2 GHz की ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, 2 GB की रैम मिलता है। और इसमें आपको 32 GB स्टोरेज मिलता है जिसमें आप एक्सपेंडेबल कर सकते हैं 64 GB तक। 13 MP की रियर कैमरा मिलता है विथ डुअल कलर LED फ्लैश। और 5 MP की फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। और इसमें 4100 mAh की बैटरी है। इसका प्राइस है 10,000 रुपीज़। ये आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट फ़ोन है Asus ZenFone Max। इसमें आपको 5.5 इंच की डिस्प्ले मिलता है, 1.5 GHz की ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 2 GB की रैम। और इसमें स्टोरेज 32 GB मिलता है। इसका आपको रियर कैमरे की बात करें तो इसमें 13 MP की रियर कैमरा मिलता है विथ LED फ्लैश। और फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको 5 MP का मिलता है। और इसमें एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो है। और इसका बैटरी की बात करें इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलते हैं। और इसका बैटरी बैकअप की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। और इसका प्राइस है 10,000 रुपीज़। और लास्ट जो फ़ोन है वो है मोटो जी प्ले 4th Generation। तो इसमें आपको 5 इंच की डिस्प्ले मिलता है और 1.2 GHz की क्वाड कोर की प्रोसेसर मिलता है, 2 GB की रैम मिलता है। इसमें 16 GB की स्टोरेज मिलता है जिसमें आप एक्सपेंडेबल कर सकते हैं 32 GB तक। इसमें 8 MP की रियर कैमरा मिलता है विथ LED फ्लैश, 5 MP की फ्रंट कैमरा मिलता है। और इसमें आपको एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो मिलता है। इसका बैटरी की बात करें इसमें आपको 2800 mAh की बैटरी मिल जाता है। और इसका प्राइस है 9,000 रुपीज़। तो दोस्तों ये है 10,000 के अंदर जो मोबाइल है। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दे दिए, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड को। किसी भी तरह के सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। और नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है अजय, मैं मिलता हूँ कुछ नया वीडियो के साथ। वंदे मातरम।